नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। जयपुर मैराथन के लिए रविवार सुबह जयपुर राइड्स पूरे जोश में दिखे। सबसे पहले सुबह 3 बजे 42 किलोमीटर की फुल मैराथन हुई। इसमें पुरुष कैटेगरी में श्रवण सिंह बेनीवाल ने पहला स्थान प्राप्त किया, वहीं महिलाओं में चात्रु ने जीत हासिल की। इसके साथ ही 21 किलोमीटर की मैराथन भी हुई। सीएम भजन लाल ने 7 बजे 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर के ड्रीम रन का फ्लैग ऑफ किया। इसमें 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, जो स्वच्छ भारत और स्वच्छ राजस्थान की थीम पर आयोजित की गई। बता दें कि जयपुर मैराथन के लिए पिछले 3 महीने से जयपुर में अलग अलग इवेंट्स चल रहे थे। जयपुर मैराथन से जुड़े डॉक्टर प्रदीप यादव 21 दिन में 21 किलोमीटर नंगे पैर रनिंग कर पहले ही रिकॉर्ड बना चुके हैं। मैराथन के दौरान 12,000 लोग जय श्री राम लिखी टी शर्ट पहनकर दौड़े, इसका रिकॉर्ड बनाया। साथ ही 2,000 लोग सीटी बजाते हुए दौड़े। इस बार एयू जयपुर मैराथन का फ्लैग ऑफ सीएम भजन लाल शर्मा के साथ भजन सम्राट अनूप जलोटा और सिया के राम फेम आशीष शर्मा ने किया। बता दें कि 42 और 21 किलोमीटर की मैराथन में भाग लेने वाले रनर्स ब्लू कलर की टी शर्ट पहनकर दौड़े। 10 और 5 किलोमीटर मैराथन के प्रतिभागी स्काई ब्लू और 6 किलोमीटर की ड्रीम रन में भाग लेने वाले ग्रीन टी शर्ट पहनकर मैराथन में शामिल हुए। मैराथन में 3,000 से 4,000 नेशनल और इंटरनेशनल धावक शामिल हुए, वहीं ड्रीम रन में 1.25 लाख रनर्स ने भाग लिया। मैराथन का रूट हमेशा की तरह JLN मार्ग रहा। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।